चिंतन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी की प्रतिमूर्ति थे, यानी भारत के प्रथम नागरिक और सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी जिंदगी बड़ी सादा थी उनकी। हालांकि कार्यक्रमों में उन्हें 6 घोड़ों की बग्घी में सवार होकर के यात्रा करनी होती थी। फिर एक बार उनकी सेक्रेटरी ने उनको बताया, डॉक्टर साहब आप भारत के यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट हैं। सर नीचे देखिए आपका जूता टूटा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, भाई मेरे जूतों की तरफ कौन देखता है, इधर मेरा ही ध्यान नहीं गया तो किसी और का क्या जाएगा। लोग मिलते जुलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। उसने कहा, नहीं सर आप प्लीज अपने जूते मुझे दीजिए, मैं आज ही रिपेयर करा के लाता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुस्कुराए, बोले यहां राष्ट्रपति भवन से तुम शहर में जाके जूते ठीक करा के लाओगे। हाँ? गाड़ी में जाओगे, इतने के जूते नहीं है जितने का तुम पेट्रोल जला आओगे। उसने कहा, ठीक है सर मैं शाम को जब घर जाऊंगा तो लेता जाऊंगा। कहते नहीं तुम ऐसा करना, शाम को जब जाओ तो मेरे जूते पहन के जाना, सुबह आओगे ना ठीक कराते लाना। जूते मैं अभी ये फेंकूंगा नहीं, यही पहनूंगा ठीक करा के। चिंतन।